वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज विनीता बिश्नोई। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। और आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द ब्रेस्ट कैंसर। डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड कैन गो अननोटिस्ड अंटिल गोज टू द फाइनल स्टेज। रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। सो ब्रेस्ट कैंसर, इट इज रिलेटेड टू द ब्रेस्ट, अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन इन ब्रेस्ट। अब होता क्या है, क्यों ये अननोटिस्ड होता है, बिकॉज एवरी मंथ आफ्टर प्यूबर्टी मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ ब्रेस्ट में भी चेंजेस आते हैं एवरी मंथ। समटाइम्स इट इज पेनफुल, समटाइम्स टेंडरनेस, एनलार्जमेंट। तो ये सब चेंजेस आपको प्यूबर्टी के बाद डिफरेंस दिखता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। सो होता क्या है, वो इतने चेंजेस होते हैं कि अगर ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है तो उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं ब्रेस्ट में, फीमेल्स को लगता है इट इज बिकॉज ऑफ द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो, नॉर्मल सिम्टम्स है प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के, तो इसीलिए वो अननोटिस्ड रहते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम। एंड अगर बचना है तो वही है प्रिवेंशन, तो इसके लिए फीमेल्स को एवरी मंथ दे हैव टू गो फॉर सेल्फ एग्जामिनेशन। खुद ब्रेस्ट को चेक करना है, यू नीड टू चेक वेदर कोई लम्स या फिर कुछ हार्डनेस ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ब्रेस्ट में, और यही एक तरीका है ब्रेस्ट कैंसर को क्योर करने का। तो पहले ही सेल्फ एग्जामिनेशन होना चाहिए एवरी मंथ आफ्टर प्यूबर्टी। नेक्स्ट इज सर्वाइकल कैंसर, रिलेटिवली स्लो ग्रोइंग कैंसर। ठीक है, ये ब्रेस्ट कैंसर के कंपैरिजन में स्लो ग्रो होता है। सर्वाइकल, सर्विक्स वाला कौन सा पोर्शन होता है जो यूट्रस और वजाइना के बीच में कैनल लाइक होता है, इट हैज टू बी रिमूव्ड। एंड इसको जैसे ही सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट होता है इट हैज टू बी रिमूव्ड, क्योंकि अगर रिमूव नहीं किया सो वो जो सेल्स है मेटास्टेसिस प्रोसेस शो करेंगे, प्रॉपर्टी शो करेंगे, एंड दे कैन इन्वेड टू द अदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑल्सो। सो इट हैज टू बी रिमूव्ड। नेक्स्ट इज ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट मतलब देयर विल बी अ सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर इन द ओवरी, फ्लूइड फिल्ड ट्यूमर्स ऑफ ओवरी। तो ये जो होता है ओवेरियन सिस्ट, ये फ्लूइड फिल्ड ट्यूमर्स होते हैं ओवरीज में। समटाइम्स रप्चर एंड रिग्रेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो कभी कभी क्या होता है, फीमेल में जनरली प्रेजेंट होता है, और जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट होते हैं वो अपने आप रप्चर हो जाता है, अपने आप डिक्रीज हो जाता है। इन ओल्डर वुमेन, तो ओल्डर वुमेन में समटाइम्स द वुमेन हैज टू गो फॉर द सर्जरी, सर्जिकल रिमूवल से ही वो सिस्ट को रिमूव कर दिया जाता है। एक्चुअली जो ओवेरियन सिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ओवरीज में सिस्ट होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लाइक हार्मोनल चेंजेस। हम जो डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो जो काउज है, बिफेलोज है, उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं हार्मोनल इंजेक्शन। सो ड्यू टू दैट व्हेन वी कंज्यूम दैट मिल्क और दैट डेयरी प्रोडक्ट, उससे भी हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, एंड दैट कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, फॉलिकुलर सिस्ट भी हो जाता है। इससे एक और चीज होती है कि जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स में जनरली जब ओव्यूल ओवरी के बाहर आता है इट इज हैविंग कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, बट इसके अलावा भी इट इज कवर्ड विद मोर टिश्यूज, मोर एंड मोर टिश्यूज, एंड मोर एंड मोर टिश्यूज होने की वजह से इवन इफ स्पर्म कम्स टू दिस ओव्यूल, उसको पहले से कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा को डाइजेस्ट करके ओवा तक पहुंचना होता था। नाउ बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा लेयर ऑफ दीज सेल्स कॉजेस नो फर्टिलाइजेशन, फीमेल्स में फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होता इफ इट इज इन सीवियर केस। तो दैट इज द ओवेरियन सिस्ट। इसका ट्रीटमेंट है, नॉर्मल है, योगा होता है बाय अवॉइडिंग डेयरी प्रोडक्ट, शुगर कम खाने से, इस तरीके से भी इसका नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है अगर पहले ही ये सिम्टम्स पता चल जाते हैं तो। देन कम्स एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस मतलब रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू द एंडोमेट्रियम। ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यूज आउटसाइड द यूट्रस। एंडोमेट्रियल लेयर कहां होती है, इट इज इन यूट्रस,
वो हर महीने चेंज होती है, थिकनेस, थिन थिक थिन ऐसा होता रहता है। अगर ये एंडोमेट्रियल टिश्यूज, अगर वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब ऐसी जगह पे डेवलप हो जाए, दैट इज एंडोमेट्रियोसिस। प्री मेंस्ट्रुअल अनयूजुअल मेंस्ट्रुअल पेन, तो हो क्या रहा था पहले, जो ये एंडोमेट्रियम था वो सिर्फ यूट्रस से ब्रेक डाउन होके रिलीज होता है इन मेंसेस, बट अगर ये एंडोमेट्रियल टिश्यूज फिलोपियन ट्यूब में भी है, अगर वेजाइना में भी है, तो वो वहां से भी ब्रेक डाउन होंगे क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया है, सो वहां से भी ब्रेक डाउन होके रिलीज होंगे एंड दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन, अनयूजुअल मेंस्ट्रुअल पेन, और दैट गिव्स प्री मेंस्ट्रुअल पेन ऑल्सो। हॉर्मोन थेरेपी एंड सर्जरी होती है इस चीज के लिए, डिसअपियर समटाइम्स। ये जो एंडोमेट्रियोसिस होता है, ये जो एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियल लेयर होती है, समटाइम्स दैट डिसअपियर्स एट द मेनोपॉज और व्हेन ओवरीज रिमूव्ड। तो मेनोपॉज के टाइम पे भी समटाइम्स ये अपने आप ही चला जाता है, या अगर ओवरीज को रिमूव किया तो हॉर्मोन्स की वजह से भी इसका जो एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियल लेयर्स होती है वो चले जाएंगे। नेक्स्ट वन इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये फोर्थ चैप्टर में भी आपको टर्म आता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सिंपल मतलब होता है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अदर देन द यूट्रस। जनरली यूट्रस का जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस में होता है, दैट इज वुम्ब। बट उसके अलावा अगर इम्प्लांटेशन कहीं और हो जाए, लाइक फेलोपियन ट्यूब, दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंड इन दैट केस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ता है क्योंकि फिलोपियन ट्यूब में डेवलपमेंट नहीं हो सकता, एंड अगर ज्यादा डैमेज हो जाता है फिलोपियन ट्यूब को तो उसे कट भी करना पड़ता है, दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऑफोराइटिस जो वर्ड आता है उसका मतलब ही होता है इन्फ्लेमेशन। इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओवरी ड्यू टू सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन। तो किसी टाइप के इन्फेक्शन की वजह से ओवरीज में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड ऑफोराइटिस। नाउ सम अदर टर्म्स आर देयर विच इज रिलेटेड टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वो टर्म्स, ये सारे जो मैंने रेड कलर से लिखा है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड टर्म्स है, लाइक डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया मतलब पेनफुल मेंसेस। किसी भी रीजन की वजह से बहुत पेनफुल अनबेरेबल पेन होता है मेंसेस में, दैट इज कॉल्ड डिसमेनोरिया। मेनोरेजिया इज एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन। अगर फीमेल में बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुएशन हो, बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज हो, दैट इज कॉल्ड मेनोरेजिया। इट इज एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन। इमेनोरिया ए मतलब ही होता है एब्सेंटिज्म, नॉन अकरेंस ऑफ मेंसेस इवन आफ्टर गर्ल मेच्योरिटी, मतलब प्यूबर्टी में पहुंचने के बाद भी अगर उनको मेंसेस नहीं होता, और मेंसेस स्टार्ट होने के बाद भी देयर इज अ ह्यूज गैप, देयर इज नो मेंसेस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए मेनोरिया कंडीशन। ओलिगो मेनोरिया इज इरेग्युलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जनरली ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता ही है कि बहुत इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं। इरेग्युलर, एक मंथ हुआ, फिर तीन चार महीने तक नहीं हुआ, फिर हुआ, फिर तीन चार। सो अगर इतनी ज्यादा इरेग्युलरिटी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसे ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। जनरली इरेग्युलरिटी होती है व्हेन वी रीचेस टू प्यूबर्टी, और उसके बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो इट इज नॉट ओनली ऑफ 28-29 डेज, समटाइम्स वो 2 months के भी हो जाते हैं, बट इट इज फॉर वेरी शॉर्टर ड्यूरेशन। बट अगर ये इरेग्युलरिटी बहुत टाइम तक चलती है, दैट कंडीशन इज ओलिगोमेनोरिया। नाउ देयर इज वन मोर फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, दैट इज पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिसऑर्डर, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। लास्ट वन इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप PID बोलते हैं। इट इज अ क्रोनिक इन्फेक्शन। इसमें इन्फेक्शन होता है अफेक्टिंग यूट्रस, फिलोपियन ट्यूब, और जो लोअर एब्डोमेन वाले कुछ पार्ट्स होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं। मोस्ट लाइकली टू अकर जब फीमेल सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, उस समय ये इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, दैट इज फ्रॉम 15 to 25 years।
ड्यू टू डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म माइग्रेट टू यूरेथ्रा एंड सर्विक्स पार्ट टू द अपर रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो होता क्या है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये यूरेथ्रा के थ्रू या सर्विक्स के थ्रू एंटर होता है एंड इट रीचेस टू द अपर पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक लाइक यूट्रस फिलोपियन ट्यूब। तो उस केस में इन्फेक्शन सीवियर होने की वजह से देयर विल बी अ लॉट ऑफ पेन इन द पेल्विक रीजन ऑफ द फीमेल एंड दैट इज कॉल्ड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। क्योंकि वहां के ये जो सारी प्लेसेस होते हैं यहाँ के जो टिश्यूज होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होता है एंड दैट ऑल्सो कॉजेस द पेन इन दैट रीजन। सो इट इज अ क्रोनिक इन्फेक्शन और ये इन्फेक्शन जो है थ्रू यूरेथ्रा और थ्रू सर्विक्स एंटर होता है फीमेल में जो ऑर्गेनिज्म होता है एंड इट रीचेज अप टू दीज प्लेसेस एंड इट कॉजिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ दोज टिश्यूज और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से दैट बिकम्स मोर एंड मोर सीवियर्स एंड फ्लूइड डिस्चार्ज भी होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट ईस्ट्रस साइकिल। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग एंड बी सेफ।